जय हिंद दोस्तों, यूरोपीय कंपनियों के आगमन की सीरीज हमारी चलेगी। इसमें पिछली वीडियोस में हमने देखा कि यूरोपीय कंपनियां कैसे और क्यों भारत आई। साथ में ही हम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसियों के बारे में अलग अलग वीडियोस में प्रॉपर डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है कर्नाटक का युद्ध। दोस्तों, बेसिकली होता क्या है, पुर्तगाली और डचों को अंग्रेजों ने स्वाली और वेदड़ा के युद्ध में हरा के परास्त करके 8911 कर देते हैं और डेन अपनी संपत्ति अंग्रेजों को खुद बेच के चले जाते हैं। अब बचते हैं भारत की रणभूमि में अंग्रेज और फ्रांसीसी, और इन दोनों के ही बीच सर्वोच्चता के लिए युद्ध होता है जिसे कर्नाटक के युद्ध के नाम से हम जानते हैं। दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन यह बनता है कि कर्नाटक का युद्ध किनके किसके बीच हुआ था। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्नाटक का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, तो कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ था। दोस्तों, इस युद्ध में हम तीन बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे, पहला कारण, दूसरा घटनाचक्र और तीसरा परिणाम। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध। दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 1748 1746 से लेकर 1748 के बीच लड़ा गया था, और इसके युद्ध का कारण क्या था। इस युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध शुरू होता है और अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में उलझ पड़ते हैं, और यूरोप में ही नहीं पूरे विश्व में जहां भी अंग्रेज फ्रांसीसी होते हैं आपस में उलझ जाते हैं, लड़ने लगते हैं। तो भारत की वो छूटा है, लेकिन फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले अंग्रेजों से कहता है, भाई विश्व के अन्य देशों में तो हम तूफानी कर ही रहे हैं और यहाँ हम तूफानी नहीं करते हैं। अंग्रेजों का कहना था, भाई देखो हम आपकी बात मानते हैं, बात सही है, लेकिन अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो आदेश होगा हमको उसी के हिसाब से चलना है, तो जो वो कहेंगे वो हमको करना ही पड़ेगा। इसी बीच क्या होता है कि अंग्रेज कमांडर बॉर्नेट, इसी बीच अंग्रेज कमांडर बॉर्नेट फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लेते हैं। ध्यान रखिएगा एक चीज कि आप लोग बहुत नामों और सन के पीछे मत पड़िएगा, क्योंकि सन और नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चूंकि मैं घटना क्रम बता रहा हूँ, इस क्रम में मैं नाम मजबूरी है मेरा लेना, ठीक, तो आप बहुत नाम के लिए परेशान मत होइएगा। तो आगे देखते हैं, तो अंग्रेज कमांडर बॉर्नेट ने क्या करते हैं, फ्रांसीसी जलपोत को पकड़ लेते हैं। अब जैसे ही फ्रांसीसी जलपोत को पकड़ते हैं, वैसे ही डुप्ले के कान खड़े हो जाते हैं, और डुप्ले मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर लाबोडेन से सहायता मांगते हैं। लाबोडेन भारत आते हैं और जल और थल दोनों ओर से मद्रास को घेर लिया जाता है, और फाइनली अंग्रेजों के क्षेत्र मद्रास पर फ्रांसीसियों का अधिकार हो जाता है। अब लाबोडेन का कहना है था कि मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया जाए, कुछ हैंडसम अमाउंट लेके, कुछ अच्छी मुद्रा लेके मद्रास को वापस कर दिया जाए। डुप्ले नहीं मानता है, लेकिन लाबोडेन वापस कर देता है। डुप्ले दोबारा आक्रमण करके मद्रास जीत लेता है। अब ये घटनाक्रम चल ही रहा था तो कर्नाटक के नवाब अनोरुद्दीन फ्रांसीसी और अंग्रेजों से कहते हैं, भाई आप हमारे जमीन पर युद्ध बंद कीजिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र की शांति भंग हो रही है। डुप्ले जो कि बहुत ही चालाक प्रतीक था, वो कर्नाटक के नवाब से कहता है, नवाब साहब ये जो हम युद्ध लड़ रहे हैं और मद्रास जीत रहे हैं, ये आपके लिए जीता जा रहा है। अनोरुद्दीन इस बात को मान लेते हैं, लेकिन जब मद्रास जीतने के बाद भी डुप्ले अनोरुद्दीन को मद्रास नहीं देता है, तो कर्नाटक के नवाब एक 10,000 की सेना महफूज खां के नेतृत्व में भेज देते हैं, और एक युद्ध होता है फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब के बीच, जिसका नाम है सेंट थोमे का युद्ध। दोस्तों, ये युद्ध ध्यान रखिएगा, सेंट थोमे का युद्ध किनके बीच हुआ, कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच। कर्नाटक के नवाब की सेना का नेतृत्व करते हैं महफूज खां, और फ्रांसीसियों की सेना का नेतृत्व करते हैं कैप्टन पैराडाइज, और इस युद्ध में फ्रांसीसी विजयी रहते हैं। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, 10,000 की बड़ी सेना को 230 फ्रांसीसी और 700 भारतीय सैनिक
मिलकर परास्त कर देते हैं। और यहाँ एक बात सिद्ध हो जाती है कि भारत की बड़ी सेना यानी भारतीय बड़ी सेना यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित छोटी सेना से हारेगी। ठीक, यानी यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित छोटी सी सेना भारतीय बड़ी सेना को परास्त कर सकती है। इस युद्ध से यूरोपियों को ये बात पता चल जाती है। फिलहाल आगे के घटनाक्रम को देखते हैं। इसी बीच 1748 में 1748 में एला सेपेल की संधि हो जाती है और ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो जाता है। और जैसे ही ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त होता है, भारत में भी कर्नाटक का युद्ध समाप्त हो जाता है। अब जब कर्नाटक का युद्ध समाप्त होता है तो मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया जाता है और अमेरिका में लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को मिल जाता है। इसके बाद आता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ये शांति एक साल लगभग चलती है और 1749 से लेकर 1754 के बीच द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है। अब इसका जो कारण था, स्थानीय कारण था, ध्यान रखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था। ठीक, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण यूरोपीय शक्तियों का भारत की स्थानीय राजनीति में उलझना। अब यहाँ थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है और यहाँ के घटनाक्रम को ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ दो ग्रुप बनता है। एक ग्रुप बनता है हैदराबाद के लिए और एक ग्रुप बनता है कर्नाटक का। एकदम अलग अलग करके आसानी से हम इसको देखेंगे। नासिर जंग जो कि हैदराबाद के नवाब हैं और मुजफ्फर जंग नासिर जंग के भतीजे हैं। मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बनना चाहते हैं। नवाब है कौन? नासिर जंग। बनना कौन चाह रहा है? मुजफ्फर जंग, जो नासिर जंग के भतीजे हैं। ये कहानी हुई हैदराबाद की। कर्नाटक की देखिए, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन हैं और इनके बहनोई है चांदा साहब। ठीक, तो कर्नाटक के नवाब है अनवरुद्दीन और चांदा साहब इनके बहनोई है। बहनोई कर्नाटक के नवाब बनना चाहते हैं। ठीक, अब बताइए, फ्रांसीसियों को किसी का पक्ष लेना है और ऐसा पक्ष लेना है जिससे उन्हें आर्थिक लाभ मिले, तो उनको किसका पक्ष ले कि उनको पैसा दे, फ्रांसीसियों को पैसा दे। भाई, नासिर जंग क्यों पैसा देगा, अनवरुद्दीन क्यों पैसा देंगे फ्रांसीसियों को? तो सिंपल सी बात है, जिसका वैध अधिकार नहीं होगा, अगर उनको आप सपोर्ट करते हो और उनको सत्ता में ला देते हो तो वो आपको पैसे जरूर देंगे। ठीक, तो इसलिए फ्रांसीसी किसका सपोर्ट करते हैं? हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का और कर्नाटका में चांदा साहब का फ्रांसीसी सपोर्ट करते हैं। और एक ग्रुप बनता है मुजफ्फर जंग, चांदा साहब और डुप्ले। इसे आसानी से याद रख सको आप, इसलिए मुजफ्फर जंग में M, चांदा साहब का C और डुप्ले यानी फ्रांसीसी डुप्ले का D, तो MCD, ये ध्यान रखिएगा, MCD का एक ग्रुप बनता है। ठीक, अब MCD के इस ग्रुप ने क्या करते, कर्नाटक पे हमला करते हैं और एक युद्ध होता है, अम्बूर का युद्ध। अम्बूर का युद्ध होता है 1749 में, 1749 में। अब MCD यानी मुजफ्फर जंग, चांदा साहब और डुप्ले, और दूसरी ओर है अनवरुद्दीन, कर्नाटक के नवाब। फाइनली कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन परास्त हो जाते हैं और मारे जाते हैं और चंदा साहब कर्नाटक के नवाब बन जाते हैं। ठीक, और यहाँ पे फ्रांसीसी अपनी रणनीति में सफल रहते हैं। आगे का घटनाक्रम क्या है, ध्यान दीजिएगा। अनवरुद्दीन का जो पुत्र होता है मुहम्मद अली भाग के त्रिचनापल्ली के किले में शरण लेता है। त्रिचनापल्ली, ध्यान रखिएगा, घटनाक्रम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। तो अम्बूर का युद्ध इम्पोर्टेंट युद्ध होगा, अनवरुद्दीन परास्त हो जाते हैं और इस युद्ध के बाद चांदा साहब कर्नाटक के नवाब बनते हैं, ये अपनी अरकाट को राजधानी बनाते हैं। आगे घटनाक्रम को देखते हैं। कर्नाटक की कहानी तो क्लियर हुई। अब 1750 में MCD यानी मुजफ्फर जंग, चांदा साहब और डुप्ले, दूसरी ओर कौन है,
नासिरजंग हैदराबाद का नवाब। अब इन ये तीनों मिलके नासिरजंग पे हमला करते हैं, नासिरजंग मारे जाते हैं और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को नवाब बना दिया जाता है। ठीक, अब एक बात ध्यान रखिएगा, अब ये लोग जब फ्रांसीसियो की सहायता से जीतेंगे तो फ्रांसीसियो को जमीन रुपए पैसे देंगे कि नहीं देंगे, तो बहुत बड़ी मात्रा में रुपए पैसे जमीन दिया जाता है। यहाँ इस पर डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है कि कितना पैसा मिला, किसको नवाब बनाया गया, ठीक, डुप्ले को क्या उपाधि दी गई, इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। फिलहाल मुजफ्फर जंग जब नवाब बन जाते हैं तो डुप्ले से कहते हैं भाई मुझे डर है और मुझे सैनिक सपोर्ट चाहिए। तो डुप्ले क्या करता है, अपने फ्रांसीसी कमांडर गुस्सी को हैदराबाद में तैनात कर देता है। ठीक, फ्रांसीसी कमांडर गुस्सी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, डुप्ले को यहाँ फायदा क्या होगा, फ्रांसीसी को फायदा क्या होगा, हैदराबाद में अगर कोई फ्रांसीसी अधिकारी रहता है तो हैदराबाद की दरबारी गतिविधियों पर फ्रांसीसियों की पकड़ मजबूत होगी और हैदराबाद के दरबार की सारी गतिविधियां डुप्ले को यानी फ्रांसीसियों को पता चलती रहेंगी। ठीक, इसी बीच अचानक क्या होता है, मुजफ्फर जंग की हत्या कर दी जाती है। इसी बीच अचानक मुजफ्फर जंग की हत्या कर दी जाती है, लेकिन डुप्ले चालाक व्यक्ति था, वो सलावत जंग को तुरंत नवाब घोषित करवा देता है। सलावत जंग को हैदराबाद का नवाब घोषित करवा देता है। अब ग्रुप बनता है सलावत जंग, चांदा साहब और फ्रांसीसी। सलावत जंग, चांदा साहब और फ्रांसीसी, ठीक, और दूसरी ओर अंग्रेज। क्या अंग्रेज चुपचाप बैठे देखेंगे कि हमारा एक प्रतिद्वंदी भारत में एक बड़े अभियान के साथ अपनी विजय करता जा रहा है, तो चुप तो बैठ नहीं सकते अंग्रेज। इसलिए वो क्या करते हैं, मोहम्मद अली का साथ देने का प्रयास करते हैं। अब मोहम्मद अली का साथ दिया जाए तो कैसे दिया जाए, एक बड़ी समस्या है। मोहम्मद अली तृष्णापल्ली के किले में छिपे हुए हैं और सलावत जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसियों की सेना उनको घेरी हुई है। इसी बीच आते हैं क्लाइव। क्लाइव एक सुझाव देते हैं कि अगर हम अरकाट पर हमला कर दें तो चांदा साहब अपनी सेना को लेके अरकाट, जो कि उनकी राजधानी है, बचाने के लिए निकल पड़ेंगे तृष्णापल्ली से, और तृष्णापल्ली पे भार कम होगा, और भार कम होगा तो हमको तृष्णापल्ली में विजय मिल जाएगी। ये सुझाव देते हैं क्लाइव, लेकिन सुझाव क्लाइव देते हैं तो अधिकारी क्या कहते हैं, भाई सुझाव अगर तुम दे रहे हो तो ये काम तुम ही करो। क्लाइव को 5,000 की सेना के साथ भेज दिया जाता है अरकाट, और अरकाट को क्लाइव जीत लेती है। और जैसे ही अरकाट पर क्लाइव अभी हमला ही करते हैं, मोहम्मद अली को पता चलता है, मोहम्मद अली तृष्णापल्ली से अपनी सेना लेके चल पड़ते हैं अरकाट को बचाने के लिए। उधर अरकाट जीता जाता है, इधर तृष्णापल्ली इनके हाथ से निकल जाता है, इसके हाथ से, फ्रांसीसियों के हाथ से, मोहम्मद अली के हाथ से। अब होता क्या है, चांदा साहब के हाथ से अरकाट पे क्लाइव का कब्जा हो गया, जो कि अंग्रेज है और मोहम्मद अली को सपोर्ट कर रहा है। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्या होता है, जब अरकाट पे क्लाइव यानी अंग्रेजों का कब्जा होता है, तुरंत मोहम्मद अली जो कि अनवरुद्दीन के पुत्र थे, उनको नवाब घोषित कर दिया जाता है। अब ये नवाब बन जाते हैं। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, इस समय अगर कंडीशन देखें तो हैदराबाद में फ्रांसीसियों के समर्थित सलावत जंग सत्ता में है और कर्नाटका में अंग्रेजों के समर्थित मोहम्मद अली सत्ता में, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या होता है, फ्रांसीसी सरकार डुप्ले को अचानक वापस बुला लेती है, और डुप्ले को वापस बुलाना फ्रांसीसी सरकार की एक बहुत बड़ी गलती होती है। अब डुप्ले वापस बुला लिए जाते हैं। 1754 में गोडेहू को भारत में गवर्नर बना के भेजा जाता है। यहाँ क्या होता है, गोडेहू आते हैं और एक संधि होती है
पौंडीचेरी की संधि, और पौंडीचेरी की संधि द्वारा जो कि 1755 में होती है, पौंडीचेरी की संधि द्वारा द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। अब इस युद्ध में भी दोनों लगभग बराबर होते हैं, एक जगह हैदराबाद में फ्रांसीसी मजबूत होते हैं तो कर्नाटक में अंग्रेज। तो दोनों युद्ध यानी प्रथम युद्ध, प्रथम कर्नाटक का युद्ध ये भी बराबरी पे रहा और द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी लगभग बराबरी पे रहा। अब आ जाते हैं हम लोग कर्नाटक के तृतीय युद्ध पे। दोस्तों कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध हुआ 1756 से लेकर 1763 के बीच चला गया, और इस युद्ध का कारण था यूरोप में होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध। दोस्तों कर्नाटक युद्ध के कारणों को आप एकदम ध्यान में रखेंगे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की वजह से हुआ था, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध भारत में राजनीति की वजह से हुआ था, और तीसरा सब कर्नाटक का तृतीय युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध के कारण हुआ था। अब इस समय काउंट लाली फ्रांसीसियों के गवर्नर थे, काउंट लाली फ्रांसीसियों के गवर्नर थे, इन्हें भेजा गया था 1758 में। बार बार मैं कह रहा हूँ सन बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है तो सन मत याद रखिएगा, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखने की बात यह है कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक, प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, और इस युद्ध को जीतकर अंग्रेजों के पास अपार धन इकट्ठा हो गया था, अपार धन मिल गया था, और ये धन काम आया फ्रांसीसियों के विरुद्ध, ठीक। घटनाक्रम को देखते हैं, एक युद्ध होता है वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच एक युद्ध होता है वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 में होता है, बहुत निर्णायक युद्ध होता है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करते हैं आयरकूट, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करते हैं आयरकूट, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व करते हैं काउंट लाली, और फाइनली फ्रांसीसी यहाँ परास्त हो जाते हैं, और यही ये सबसे निर्णायक युद्ध है जिसकी वजह इसके बाद फ्रांसीसियों का सूरज भारत में अस्त हो जाता है, ठीक। पेरिस की संधि द्वारा जो कि 1763 में होती है, पेरिस की संधि द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होता है, और इसी के साथ भारत में भी कर्नाटक का युद्ध समाप्त हो जाता है, और इस युद्ध द्वारा भारत में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है। अब कोई यूरोपीय कंपनी अंग्रेजों के समकक्ष नहीं रह पाती, ठीक। लेकिन अब इस ध्यान देने वाली बात यह है कि इस युद्ध से अंग्रेजों को कोई शिक्षा मिलती है कि नहीं, और आगे देखोगे ये युद्ध जो कर्नाटक का युद्ध था, ये युद्ध अंग्रेजों को कितना सपोर्ट किया है, कितनी शिक्षा दिया है। पहली शिक्षा तो ये दिया कि भारत में एकता का यानी राष्ट्रीयता का अभाव है, और भारतीय राजनीति में जो राजाओं के बीच आपसी झगड़े हैं इसमें हस्तक्षेप करके अंग्रेज या कोई भी यूरोपीय शक्ति अपनी राजनैतिक और व्यापारिक महत्वाकांक्षा पूरी कर सकती है। बहुत बड़ा लेसन मिला अंग्रेजों को यहाँ से, बहुत बड़ी शिक्षा मिली अंग्रेजों को यहाँ से कि भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करके यहाँ पे राजनीतिक और व्यापारिक महत्वाकांक्षाएं पूरी की जा सकती हैं, क्योंकि भारतीय राजाओं के बीच राष्ट्रीयता की भावना नहीं है। दूसरी बात, छोटी यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित सेना बड़ी भारतीय सेना को आसानी से परास्त कर सकती है, ठीक। आप सेंट थोमे का युद्ध देखें, 230 फ्रांसीसी और 700 भारतीय सेना एक साथ मिलकर 10,000 की सेना को परास्त करते हैं, तो छोटी सी प्रशिक्षित सेना बड़ी भारतीय सेना को परास्त कर सकती है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित भारतीय सैनिक, क्या भारतीय सैनिक, यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित भारतीय सैनिक वही काम कर सकते हैं जो यूरोपीय सैनिक कर पाएंगे, ठीक। यानी भारतीय सैनिकों की भी क्षमता यहाँ पे देखी गई कि भारतीय सैनिक भी यूरोपीय सैनिकों की तरह पूरी तरह क्षमतावान है, इनके पास इफिशियंसी है, क्षमता है, ठीक। ये बहुत बड़ा लेसन मिला अंग्रेजों को, और इस लेसन का, इस शिक्षा का
लगातार उन्होंने यूज किया भारत पर अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कर्नाटक का युद्ध अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो इस चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो का हम समापन करते हैं, अंत करते हैं। जय हिंद करने से पहले आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, लॉकडाउन का पालन करते रहिए, ठीक। तो जय हिंद, नमस्कार।